चाहे वो पीएचई डिपार्टमेंट हो चाहे जीएमसी डिपार्टमेंट हो, जिस तरह से दुर्गा नगर में जो पानी की हालत है, मुझे लगता है 6-7 दिन पर यहाँ पे पानी आता है और हर एक लेन में इन्होंने एक बार रखा हुआ है जिसको कितने लीटर पानी देना है ये लोग इनसे साइड करते हैं। और जिस तरह से हालत है दुर्गा नगर के, जिस तरह से लोगों को खुद अपने पैसे देकर पानी की कड़ी डलवानी पड़ रही है और जो पीएचई डिपार्टमेंट सोया हुआ है, बार बार हमने इसको मीडिया के माध्यम से इनको बताया कि दुर्गा नगर में पानी की काफी प्रॉब्लम है, लेकिन कंसर्न डिपार्टमेंट ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और आज मजबूरन हम लोगों को रोड पे आना पड़ा कंसर्न डिपार्टमेंट के खिलाफ। और अगर हम जीएमसी डिपार्टमेंट की बात करें, जिस तरह से वार्ड नंबर 62 हो, वार्ड नंबर 64 हो, वार्ड नंबर 66 हो, जिस तरह से जहाँ पे रोडों की हालत है और हमने देखा है कि एक पक्षपात किया जा रहा है, देखा जाता है कि इस लेन में किस पार्टी के लोग रहते हैं, इस लेन में किस पार्टी के लोग रहते हैं, इस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। मैं कंसर्न जीएमसी कमिश्नर मैडम से कहना चाहता हूँ कि जीएमसी डिपार्टमेंट का काम होता है डेवलपमेंट कराना, लेकिन जिस तरह से हालत है हमारे दुर्गा नगर में, चाहे वो वार्ड नंबर 64 हो, चाहे वार्ड नंबर 62 हो, चाहे वार्ड नंबर 66 हो, और कंसर्न डिपार्टमेंट में सोए हुए हैं। आज हम लोगों को मजबूरन कंसर्न डिपार्टमेंट के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ा, क्योंकि इनको बार बार हमने इनको कंप्लेनें भी की, मीडिया के माध्यम से भी बताया, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हो, चाहे स्टेटमेंट देने की बात हो, लेकिन यहाँ पे कोई भी सुनने वाला नहीं है। इसलिए आज हम लोगों को मजबूरन रोडों पे आना पड़ा। मैं आपके माध्यम से कृष्ण चीफ इंजीनियर पीएचई और खासकर स्पेशल जीएमसी कमिश्नर मैडम अमनी लवासा जी से मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जो आपका सिविल वर्क है, जीएमसी जो सिविल वर्क जो आपका विंग है, उनको बोला जाए जहाँ जहाँ लोगों को रोडों की प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे जल्द से जल्द रोड का काम शुरू किया जाए। और खासकर मैं पीएचई डिपार्टमेंट से कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से दुर्गा नगर में पानी की हालत है, 6-7-8 दिन में पानी आता है, और जब इनको लोगों को बोला जाए कहते हैं मोटर खराब है, कभी कहते हैं मोटर खराब है, कभी कहते हैं लाइट खराब है, और भुगतना आम लोगों को पड़ रहा है। दुर्गा नगर के लोगों को रोज महीने में कम से कम 2-3 दिन गाड़ियां डलवानी पड़ती है अपनी पैसे देके, लेकिन जीएमसी पीएचई डिपार्टमेंट सोए हुए हैं। इसलिए आपका हम आपके माध्यम में कंसर्न डिपार्टमेंट को बोलना चाहते हैं कि आज तो सिर्फ ये ट्रायल था, अगर इन्होंने जो इनकी अपनी जो इनका काम है अगर इन्होंने सही तरीके से नहीं किया, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसे और उग्र प्रदर्शित किया जाएगा कंसर्न डिपार्टमेंट के। जय हिंद, जय भारत।